ठीक है, तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सूडोनिम ऑफ द ऑथर सलमान रशीद। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है सूडोनिम। अब ये सूडोनिम का जो इंग्लिश मीनिंग है या जो लिटरल मीनिंग है वो है पेन नेम, हिंदी में हम इसे कहते हैं उपनाम। ठीक है, आपको पता है बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे पोएट्स हैं, वो अपने ओरिजिनल नेम से नहीं लिखते हैं, बट दे टेक अ सूडोनिम। तो ये पूछा जा रहा है कि जो ऑथर है सलमान रशीद, अ वेरी फेमस ऑथर, अभी रिसेंटली इन पे अटैक भी हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए इनका सूडोनिम क्या है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो लेट मी टेल यू, हिज सूडोनिम इज जोसेफ एंटोन। ठीक है, ये जोसेफ एंटोन के नाम से लिखते हैं। तो बेसिकली ही वॉज अटैक्ड ऑन August 12, 2022। इन्होंने अपने बहुत सारे मेमोयर जो है वो अपने पब्लिश किए हैं जोसेफ एंटोन के नाम से। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। मिलिट्री लीडर पूनम ब्रजबासी इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। सिंपली हमसे ये पूछा है जो मिलिट्री लीडर हैं जिनका नाम पूनम ब्रजबासी है, ये किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है या ये किस स्टेट से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसका आंसर है स्टेट ऑफ मणिपुर। क्लियर? थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली शी वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है, इन द मणिपुरी किंगडम ऑफ कांगलीपेक। ठीक है, यहां देखो कांगलीपेक ये ऑप्शन है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इनका हिस्ट्री में नाम दर्ज है, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट किया था, फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन द एंग्लो मणिपुर वॉर। पूछा जा सकता है आपसे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891। ठीक है, इसीलिए हिस्ट्री में इनका नाम दर्ज है और इसीलिए हम लोग मिलिट्री लीडर पूनम ब्रजबासी को याद रखते हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है ये किस कंट्री में कंस्ट्रक्टेड है, यूएसए, चाइना, इंडिया, पराग्वे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आपको थोड़ा अगर एनालाइज करना पड़े, ठीक है, तो आप इसमें क्या मार्क करोगे? पराग्वे तो हो सकता है बहुत लोग एलिमिनेट कर दे, लोगों को डाउट होगा यूएसए और चाइना में, इंडिया के बारे में कुछ सोचेगा भी नहीं, लेकिन इसका आंसर है इंडिया, क्योंकि यहां पूछा जा रहा है इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि अभी बना नहीं है लेकिन इन मेकिंग है। क्लियर? और इंडिया जो है ये भी बहुत जायंट स्ट्राइड्स ले रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो एक चीज आप यहाँ पे जान लो, एक इंडिया डेवलप कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसका नाम है गोल्डन जॉइंट। ठीक है, अब ये गोल्डन जॉइंट बेसिकली है क्या, गोल्डन जॉइंट जो है ना ये दो एंड को जोड़ेगा, और ये जो दो एंड होंगे दे विल बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर चेनाब। चेनाब के ऊपर हम दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना रहे हैं, इसका जो हाइट होगी वो होगी 359 मीटर्स अबव द चेनाब रिवर बेड, यानी ये अगर रिवर बेड है इसके 359 मीटर ऊपर में हम एक इस तरीके से ब्रिज बनाएंगे। क्लियर? और ये अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर्स हाई होगा आईफिल टावर से, पेरिस में आईफिल टावर है ना, उससे 30 मीटर ऊंचा होगा। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ऊंची ये ब्रिज अभी हम लोग इंडिया में इसको बनाने वाले। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड बिल इन इट्स पार्लियामेंट टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू अफगान इवैक्यूईज। अफगान से यानी अफगानिस्तान से जो लोग वहां से छूट के आ रहे हैं, कौन सी कंट्री ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है कि हम उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करें। क्लियर? यूएसए, पाकिस्तान, यूके, ताजिकिस्तान। तो दिस बिल इज पास बाय द यूएस कांग्रेस, यूएस कांग्रेस ने इस बिल को पास किया है। क्लियर? अब आप लोग अगर इसमें ऑप्शन में इंडिया आ जाए, आप लोग इंडिया का ये मत सोच लेना, क्योंकि उसमें अफगानिस्तान का जो मेंशन है, ठीक है, दैट इज नॉट इन अ होल हार्टेड मैनर। ठीक है, तो आप लोग सीए उसको मत अपना कंसिडर करना, इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर है? अब यूएसए ने दोनों हाउस में इस बिल को पास कर लिया है। क्या बिल पास किया है? कि जितने भी अफगान इवैक्यूज हैं दे विल प्रोवाइड देम विद द सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। इन इंडिया पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व इन। हम सबको पता है कि जब देश आजाद हुआ तो अलोंग विद इंडिपेंडेंस हमको पार्टीशन भी मिला। ठीक है, और पार्टीशन में बहुत हॉरर्स हमने देखे हैं, करीबन करीबन 8 से 10 मिलियन लोग जो हैं उस टाइम पे रेफ्यूजी की तरह उन्होंने अपना समय काटा था। क्लियर? एंड करीबन करीबन 1 करोड़ पीपल वेयर ऑन द मूव। तो उसी के रिमेम्बरेंस में हम वो डे कब मनाते हैं, ये जो डे है द सेलिब्रेशन ऑफ, सेलिब्रेशन नहीं, रिमेम्बरेंस ऑफ डे इज August 14, 14 अगस्त को हम लोग उस दिन को मनाते हैं। क्लियर? और एक और चीज याद रखना आप लोग,
कि इंडिया में जो बॉर्डर डिसाइड करने की ड्यूटी है दैट वॉज गिवन टू रैडक्लिफ। क्लियर, बहुत बार हम लोग बहुत सारे लाइन को रैडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज बेसिकली अ जज, जिनको कि इंडिया के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। जब ये इंडिया में आए 15 अगस्त 1947 के 3-4 वीक पहले, इनको कुछ मैप्स प्रोवाइड किए गए और बोले लो मैप्स को देख के पार्टीशन कर। जस्ट इमेजिन क्या हुआ होगा उस समय। चलिए लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑफ अगस्त 16, 2022। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी रिमाइंड किया, अभी फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि जो रामसर साइट है ये हमेशा एडिशन और सब्सट्रैक्शन के पोजीशन में है। क्लियर, तो जब भी आपका एग्जाम है फरवरी में, उसके एक दिन पहले आप जाइए और इंटरनेट पर टाइप कीजिए टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, और वहां जो आपको डेटा मिलेगा दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगस्त 16, 2022 तक इंडिया में कितने रामसर साइट्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं, उनका नंबर है 75। क्लियर है, अब आप देखो यहाँ पे ये जो टोटल 75 रामसर साइट्स है ना, अगर मैं इनका क्यूमुलेटिव एरिया की बात करूं कि ये टोटल कितने एरिया में फैले हुए हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 13 लाख हेक्टर्स में इनका स्प्रेड है। ठीक है, 13 लाख हेक्टर्स। क्लियर, और रामसर क्या है, रामसर इज एन ईरानियन सिटी, ईरान में एक सिटी है, और रामसर साइट क्या करता है, ये वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड कंजर्वेशन टू वेटलैंड्स। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लेक गार्डा इज लोकेटेड इन विच कंट्री, लेक गार्डा इनमें से किस कंट्री में लोकेटेड है, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, इटली, सर्बिया। सो दिस इज लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ इटली। ठीक है, अब एक और चीज याद रखना कि ये क्यों न्यूज में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे अभी एक ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट हुई है, दैट इज वाई दिस वॉज इन न्यूज। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इन इटली अ लेक फेस ड्रॉट लाइक सिचुएशन, विच लेक वॉज इट, तो लेक गार्डा। क्लियर, अगले में आऊ, विच स्टेट हैज लॉन्च वन MLA वन पेंशन स्कीम, इनमें से किस स्टेट ने वन MLA वन पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है, दैट इज पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट, अब देखो ये है क्या, पंजाब के जो गवर्नर है ना मिस्टर बनवारी लाल, ठीक है, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को भी अप्रूव कर दिया है। इससे होगा क्या कि एवरी MLA जो है ना, ही विल गेट वन पेंशन, एवरी MLA विल गेट वन पेंशन अमाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 75 रुपीज पर मंथ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स ही सिलेक्टेड। मान के चलो कोई MLA है, वो अगर 3 बार सिलेक्ट हो गए तो उनको 3 बार पेंशन नहीं दी जाएगी, उनको एक ही बार पेंशन दी जाएगी, और वो जो पेंशन का अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली 75,000 के आसपास लाई करेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव वैक्सीन अगेंस्ट बोथ ओमिक्रॉन एंड ओरिजिनल कोविड स्ट्रेन। देखो ये स्टेरिन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रेन होगा। ठीक है, देखो जो हमारा ओरिजिनल कोविड का स्ट्रेन था, उसके बाद में कोविड ने बहुत बार म्यूटेशंस किया, और म्यूटेशंस के बाद इसने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स बनाए। तो एक ऐसी कंट्री है जिसने एक वैक्सीन को अप्रूव किया है जो कि दोनों ओमिक्रॉन और ओरिजिनल कोविड स्ट्रेन के अगेंस्ट में इफेक्टिव है, तो वो इनमें से कौन सी कंट्री। क्लियर, दैट कंट्री इज यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है, अब ये जो बाइवेलेंट वैक्सीन है ना, ये बाइवेलेंट जो वैक्सीन है, इन्होंने इसको बनाया गया है बाय द US ड्रग मेकर मॉडर्ना। मॉडर्ना जो है ये US कंपनी है, ये मत सोचना कि UK में हम इसको इंप्लीमेंट करें तो UK की कंपनी, मॉडर्ना जो है वो एक USA की कंपनी है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो। नीपम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अफोर्डेबल एविएशन, एविएशन मीन्स एयरोप्लेन इंडस्ट्री, क्रेडिट, ये क्रेडिट नहीं यहाँ पे क्रेडिट होगा, क्रेडिट टू MSME, शिपिंग बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका जो हमारा आंसर है दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो नीपम जो है ना, इसका जो मेन टारगेट है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना, और अभी जो नीपम है इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है टू ट्रेन 1 मिलियन पीपल, क्योंकि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नॉलेज बहुत कम है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, अगर आप कोई गाना गा रहे हो आप उस गाना को, जैसे कोई सॉन्ग है या कोई आपका ओरिजिनल अपना क्रिएशन है, आप उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करोगे। क्लियर है, और इसको जो इंप्लीमेंट करेगा दैट विल बी द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट। इसका पूरा नाम ये नहीं है, इसका पूरा नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ही फंक्शन करता है। क्लियर, अगला देखो। व्हाट इज द नेम ऑफ द सलाइन वाटर LED जेम्स रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह।
अगेन आपके लिए क्वेश्चन है, जितेंद्र सिंह जो है इनके पास में कौन सा पोर्टफोलियो, ठीक है। तो अभी हमने एक सैलिन वाटर एलईडी लैंप लॉन्च किया है, बेसिकली उस एलईडी लैंप का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। उस एलईडी लैंप का नाम है रोशनी लैंप, क्लियर है। और ये जो रोशनी लैंप है ना, ये सी वाटर में भी चलेगी, यानी कि आप इसको पानी के अंदर भी चला सकते हो, ये इसकी खासियत है। दिस इज अ सलाइन वाटर एलईडी लैंप, क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑफ ऑगस्ट 2022 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया, ये पूछ रहा है कि इंडिया में टोटल एलिफेंट रिजर्व्स कितने हैं। फिर से एक छोटा सा डिस्क्लेमर याद रखना आप कि नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इनका कोई भी एक स्टैटिक नंबर सही नहीं होता है, क्लियर है। तो जब भी आप एग्जाम दें आप उसके पहले एक बार इन सारे डेटास को अपडेट कर लें। हो सकता है कि 17 अगस्त के बाद कोई और एडिशन ना हुआ हो, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है कि आप जाके एक बार अपने नोट्स को अपडेट कर लें, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 75, 61, 31, 22, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसका आंसर है 31। तो इंडिया में टोटल 31 एलिफेंट रिजर्व्स है, और ये जो एरिया कवर करते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 76,000 स्क्वायर किलोमीटर, क्लियर। और ये जो है ना टोटल 31 रिजर्व्स, दे आर स्प्रेड इन 14 स्टेट्स। तो जरूरी नहीं है कि हमको एलिफेंट सारे स्टेट्स में ही मिले, ये भी कुछ कुछ स्टेट्स में ही मिलते हैं। एक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इन एडिशन टू द इंफॉर्मेशन गिवन हेयर, विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट, किस स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट्स पाए जाते हैं, क्लियर। इसका आंसर होगा स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका स्टेट में वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट प्रेजेंट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवरोज फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फेस्ट एंड फेस्टिवल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और बेसिकली जो क्वेश्चन है ना ये न्यू ईयर से पूछा जाता है। न्यू ईयर यानी अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रिलीजन में जो न्यू ईयर की डेट है वो डिफर करती है। तो यहाँ भी जो नवरोज है ना, दिस इज बेसिकली अ न्यू ईयर। तो पूछा जा रहा है नवरोज न्यू ईयर जो है ये इनमें से किस कम्युनिटी को अपना सिग्निफाई करता है, क्लियर। तो बेसिकली दिस इज अ पारसी न्यू ईयर, क्लियर है। अब एक और छोटी सी चीज आप लोग याद रखना कि जो नवरोज है ना, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ फरवरदीन, ठीक है। फरवरदीन का ये पहला मंथ है इन अकॉर्डेंस विद द जोरोएस्ट्रियन कैलेंडर। जोरोएस्ट्रियन कैलेंडर को अगर हम लोग अपना कोरिलेट करेंगे तो ये उनका पहला मंथ है। और बेसिकली ये ओरिजिनल कहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, दे वेयर ओरिजिनली फ्रॉम ईरान, क्लियर। आगे बढ़िए। फीफा हैज सस्पेंडेड विच कंट्री ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टी। फीफा ने अभी किसी एक कंट्री को सस्पेंड किया है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि उनमें किसी थर्ड कंट्री का अनड्यू इन्फ्लुएंस था। तो पूछा जा रहा है कि ये इनमें से कौन सा कंट्री है। तो ये जो कंट्री है दैट इज इंडिया, क्लियर है। तो बेसिकली फीफा ने सस्पेंड किया है ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी, क्लियर है। और इंडिया को एक और राइट से अपना स्ट्रिप कर लिया गया है। 2022 में इंडिया वॉज ऑल सेट टू होस्ट अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप। 2022 में इंडिया जो है वो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, लेकिन जब हमने सस्पेंड किया है इंडिया को ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो ये राइट भी इंडिया से ले लिया गया, यानी इंडिया अब इसे होस्ट नहीं करेगा, क्लियर है। आगे बढ़िए। विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम, किस स्टेट या यूटी ने विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम को लॉन्च किया है, क्लियर। तो ये बेसिकली है हमारा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर है। एक और चीज याद रखना कि जम्मू एंड कश्मीर ने ये जब इसको अप्रूवल दिया है, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रिवेंट द टेररिस्ट अटैक, ठीक है, टू प्रिवेंट इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म या टेररिस्ट अटैक को प्रिवेंट करना। और ये इफेक्ट में आया था एक बहुत सिग्निफिकेंट डे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अगस्त 15, 2022। देखो वैसे हम सारे स्कीम या जितने भी इनिशिएटिव है सबके इम्प्लीमेंटेशन डेट को या जब वो इफेक्ट में आए हम इस डेट को याद नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत सिग्निफिकेंट डेट है जैसे अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे, वेरी सिग्निफिकेंट, ये पूछा जा सकता है, आप लोग इसको याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़िए। शिवमोगा सुभाना, इसको ऐसे इन्वर्टेड में लोग लिख देते हैं, शिवमोगा सुभाना पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विथ, मैंने आपको अमटी नंबर ऑफ टाइम रिमाइंड किया, एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं,
मान के चलिए अगर किसी ईयर में देर इज डिमाइस ऑफ एनी फेमस पर्सनैलिटी या किसी भी चीज का कुछ बर्थ एनिवर्सरी है, जैसे कि 5th बर्थ एनिवर्सरी, 10th एनिवर्सरी वगैरह वगैरह, जैसे 2022 जो है ना ये 30th एनिवर्सरी है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने की लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नेंस को प्रमोट किया था, समझ रहे हो आप? तो 30 साल पूरे हुए, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपसे लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है? मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन एट हैंड, शिव मोगा सुभाना जो है ये इनमें से किस पर्टिकुलर जॉनर को रिप्रेजेंट करते थे? तो ये रिप्रेजेंट करते थे सिंगिंग को, ठीक है, बिलोंग टू द सिंगिंग फ्रटर्निटी, और इनका जो डिमाइस है वो हुआ है बेंगलुरु में, ही पास्ड अवे इन बेंगलुरु, क्लियर है? कुछ और इनसे थोड़ी सी चीज जानते हैं, कुछ और एक एक्स्ट्रा चीज है कि दैट शुभाना ही वॉज द फर्स्ट कन्नडिगा, कन्नडिगा मीन्स जो बेसिकली कन्नड़ लैंग्वेज में करते हैं और उस एरिया को बिलोंग करते हैं, जिनको कि पहला, मतलब ये वैसे पहले कन्नड़ थे जिनको कि नेशनल अवार्ड मिला था फॉर प्लेबैक सिंगिंग, नेशनल अवार्ड फॉर प्लेबैक सिंगिंग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर द फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, व्हाट इज द ओवरऑल अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2021 एंड 22? एक इंपॉर्टेंट फिगर है ये, याद रख लो कि फोर्थ एडवांस एस्टिमेट ने क्या बोला है, 2020-21 में हमारा फूड प्रोडक्शन कितना था, सो दैट वॉज अप्रोक्सीमेटली 315 मिलियन मेट्रिक टन्स, ठीक है? इसका जो यूनिट है दैट इज मिलियन मेट्रिक टन्स, क्लियर हो रहा है? 2020-21 में हमारा जो ओवरऑल फूड प्रोडक्शन था दैट वॉज 315 मिलियन मेट्रिक टन्स, और हमने अपने टारगेट को सरपास कर लिया था, आवर टारगेट वॉज अप्रोक्सीमेटली 307 मिलियन मेट्रिक टन्स, लेकिन हमने इसको सरपास कर लिया, क्लियर? अब अगर मैं इसको दो भाग में बांटूं, एक अगर मैं बांटूं कि इसमें खारीफ प्रोडक्शन कितना है और राबी प्रोडक्शन कितना है, तो खारीफ प्रोडक्शन जो होते हैं दे आर बेसिकली समर क्रॉप्स, समर क्रॉप्स कहने का मतलब है कि हम इनको जून जुलाई के सीजन में जस्ट ऑनसेट ऑफ मानसून के समय हम इनको सो करते हैं, और जब हमारा मानसून चला जाता है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर अक्टूबर के आसपास हम इनको हार्वेस्ट करते हैं, तो देख रहे हो ये बेसिकली समर सीजन में इनका पूरा हार्वेस्टिंग पीरियड है, इसीलिए खारीफ क्रॉप को हम लोग समर क्रॉप भी कहते हैं और राबी क्रॉप को हम लोग विंटर क्रॉप कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो सोइंग सीजन है ये बेसिकली अक्टूबर नवंबर में होता है और जो इनका हार्वेस्टिंग है दैट इज इन मार्च अप्रैल या फिर फरवरी मार्च, तो द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ खारीफ क्रॉप इज राइस और मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप इज वीट, ठीक है? तो बहुत बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें खारीफ का कितना अपना कंट्रीब्यूशन है, राबी का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्लियर? तो जो हमारा राबी का कंट्रीब्यूशन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 159 मिलियन मीट्रिक टन्स, क्लियर? और जो खारीफ का कंट्रीब्यूशन है दैट इज 156 मिलियन मेट्रिक टन्स। ये डेटा से आपको क्या पता चल रहा है कि राबी और खारीफ के क्रॉप के प्रोडक्शन में देर इज सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोई ज्यादा नहीं है कोई कम नहीं है। देखो 2-3 मिलियन मेट्रिक टन्स इतने बड़े सैंपल में कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, यानी कि इंडिया जो है उसने यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करके रखा है। ऐसा नहीं है कि जब मानसून के सीजन से तभी इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, यानी कि ये इनडायरेक्टली ये भी बता रहा है कि इंडिया हैज डेवलप्ड इरीगेशन फैसिलिटीज, समझ रहे हो? क्योंकि राबी सीजन जब चलता है उस समय बारिश तो होती नहीं है, तो उस समय हम लोग क्रॉप्स कैसे उगा रहे हैं, पानी तो उस समय भी लगता होगा, इसका मतलब है इंडिया ने इरिगेशन को डेवलप कर दिया है, क्लियर? आगे बढ़िए। रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू बी कॉल्ड अ फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट को फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की हमने उपाधि दी है, क्लियर? तो ये जो है दिस वॉज गिवन टू द मंडला डिस्ट्रिक्ट, ये देखो आप मंडला डिस्ट्रिक्ट, अब ये मंडला डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ता है, ये पड़ता है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये बना है फर्स्ट फुली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, और ये जो कैंपेन है ये भी हमने 15 अगस्त को लॉन्च किया, क्लियर? आगे बढ़िए। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ही अनवील्ड द स्टैचू ऑफ वीर दुर्गादास राठौड़ एट विच प्लेस, यानी कि वीर दुर्गादास राठौड़ के हमने बेसिकली स्टैचू को अनवील किया है, और ये किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, सो दिस वॉज अनवील्ड एट जोधपुर राजस्थान, क्लियर? जोधपुर जो है ये राजस्थान में पड़ता है, और बेसिकली ये कौन थे, ही वॉज द कमांडर ऑफ द राठौड़ फोर्सेज इन द राजपूत वॉर,
राजपूत वॉर के दौरान ये राठौड़ फोर्सेस के कमांडर थे, और ये राजपूत वॉर का जो फाइटिंग पीरियड है दैट इज 1679 टू 707, और इन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था ड्यूरिंग द राजपूत रिबेलियन। राजपूत रिबेलियन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, और ये 1708 से लेके 1710 के बीच में हुआ था। क्लियर?